पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाने वाली महिला हेरोइन चिट्टा का करती कारोबार। महिला का स्टिंग ऑपरेशन कर नेशनल बस की टीम ने किया सारा खुलासा। महिला का सारा सच कैमरे में हुआ कैद। वी केयर फॉर यू कहलाने वाली चंडीगढ़ पुलिस के जिन दो पुलिसकर्मियों पर महिला ने जबरन हेरोइन चिट्टा का मामला डालने का आरोप लगाया था, उस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। डड्डूमाजरा निवासी पूनम ने मलोया थाने में तैनात ASI विद्यानंद और हेड कांस्टेबल संजय पर यह आरोप लगाए थे। हम दिखा रहे हैं इस कहानी का असली सच क्या है। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला पूनम दरअसल डड्डूमाजरा के मकान नंबर 2954 में हेरोइन चिट्टा और नशीले टीके बेचने का काम करती है। यह हम नहीं, वीडियो कह रही है, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर लगे इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए नेशनल बस की टीम ने इसी घर में एक फर्जी ग्राहक भेजकर स्टिंग ऑपरेशन किया। उस फर्जी ग्राहक ने पूनम से हीरोइन चिट्टा खरीदते हुए की पूरी वीडियो बनाई। ध्यान से देखें और सुने इस वीडियो को जिसमें पूनम हीरोइन चिट्टा बेच रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत 3 अप्रैल 2017 को दोनों पुलिसकर्मी थाना मलोया में ड्यूटी पर तैनात थे। जिस वक्त यह वाक्य घटा, दोनों पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ। भागते समय उसके पास से एक हीरोइन की पुड़िया गिर गई, जिसके बाद उस युवक की तलाश करते हुए कई घरों में जाकर पूछताछ की। अंत में पूनम अपने घर के बाहर बैठी थी और उससे उस युवक के बारे में पूछना चाहा तो वह घर के अंदर ले गई। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही हेरोइन से भरी पुड़िया को पुलिसकर्मी ने दिखाकर पूछना चाहा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान घर के अंदर से एक लड़की आई और नीचे गिरी पुड़िया और अंदर रखा कुछ सामान लेकर बाहर भाग गई। यही सारा वाक्य CCTV में कैद है, जिसके बाद इस सारे वाक्य की थाना मलोया में DDR दर्ज करवाई गई। अब हम आपको बताते हैं पूनम की हिस्ट्री के बारे में। चंडीगढ़ पुलिस विभाग में 10 नंबरी कमला की बेटी पूनम है, जिस पर लगभग 15 से 20 मामले NDPS एक्ट और चोरी के दर्ज हैं। बता दें कि पूनम को जब भी पुलिसकर्मी पकड़ने आती थी तो पुलिसकर्मियों पर संगीन आरोप लगा देती थी। पूनम के पति सिकंदर उर्फ बोदा NDPS के तहत बुड़ेल जेल में बंद है। वही अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसे ही नशे के कारोबार करने वाले सरगना पुलिसकर्मियों पर आरोप लगते रहेंगे तो पुलिसकर्मी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी, जिससे द सिटी ब्यूटीफुल में क्राइम और नशे के कारोबारियों के हौसले बुलंद होते जाएंगे। अब फैसला पुलिस अधिकारियों का है कि द सिटी ब्यूटीफुल को क्राइम फ्री और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं या बढ़ावा देना चाहते हैं। कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।